समुद्री घोंघे की सीप में पैदा होने वाले मोती के बारे में दुनिया जानती है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के एक गांव के तालाब में भी मोती पैदा हो रहे हैं। जी हां, फतेहपुर के हसनपुर अकोड़िया गांव एक किसान सीप के अंदर बीज रखकर मोती की खेती कर रहे हैं। 2 साल पहले उन्होंने मोती की खेती का तजुर्बा शुरू किया। कुछ दिन पहले कानपुर की CSA एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टीम ने इस तालाब का मुआयना करके किसान को हर मुमकिन मदद देने का वादा किया है। फतेहपुर जिले के हसनपुर अकोड़िया गांव के रमेश सिंह फूलों की खेती के साथ 140 किस्म के धान की पैदावार करके एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। 2 साल पहले दिल्ली IIT में तरक्की पसंद खेती की वर्कशॉप के दौरान वो BHU के गेस्ट लेक्चरर डॉक्टर अशोक मनवानी से मिले थे। डॉक्टर मनवानी ने उन्हें मोती की खेती के बारे में जानकारी दी थी। फिर उन्होंने अपने खेत में एक छोटा सा तालाब खुदवा कर उसमें पानी भरवाया और सीपियों में मोती के बीज रख कर उन्हें पानी में डाल दिया। 18 महीने की मेहनत रंग लाई और उन्हें इससे 200 मोती मिले। इस कामयाबी से उनका हौसला और बढ़ गया। अब रमेश सिंह ने 20x22 मीटर के तालाब में खेती करके 20,000 मोतियों की पैदावार का टारगेट रखा है, जिसके लिए उन्होंने 10,000 सीपियों में मोतियों के बीज डाले हैं। रमेश बताते हैं कि आर्टिफिशियल मोती बनाने के लिए महाराष्ट्र से खास किस्म का पाउडर आता है। सीप में रखने से पहले इस पाउडर की छोटी छोटी गोलियां बनाई जाती हैं, फिर इन गोलियों को सीप में रख दिया जाता है। तालाब में चूनी, चोकर और गोबर डाला जाता है ताकि मोती अच्छे से फल फूल सकें। 15 से 20 महीने के बाद सीप से मोती तैयार हो जाते हैं, फिर इसका कवच तोड़कर मोती निकाला जाता है। 10,000 सीपियों में बीज डालने के बाद अब रमेश को 40 से 50 लाख रुपए के मोतियों की पैदावार की उम्मीद है। थोक बाजार में एक आर्टिफिशियल मोती 200 से 500 रुपए का बिकता है, जबकि खुले बाजार में इसकी कीमत 400 से 1500 रुपए तक है। बिहार के कुछ इलाकों में भी मोती की खेती की जा रही है। इस खबर पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।